हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लव्स एंड ट्रिक एजुकेशन। आज ओडिया मॉक टेस्ट 63 को प्रैक्टिस करिबा। जो मैंने पूर्व मॉक टेस्ट गुड़िक देखी ना 1-62 पर्यंत प्लेलिस्ट अच्छे जाके देखिपारे। चलतु आउ डेरी करें, आज मॉक टेस्ट को स्टार्ट करदे। क्वेश्चन नंबर 1 देचे, बास अर्थरे उआ प्रत्यय जगरे गठित शब्द को चिन्हट कर। ऑप्शन ए घरुआ, ऑप्शन बी आषाढ़ुआ, ऑप्शन सी काठुआ, ना ऑप्शन डी अंधारुआ। बास अर्थ को सूचित करथुबा एवं उआ प्रत्यय युक्त शब्द थुआ। घर युक्त उआ मिसिले हिजबा घरुआ, आषाढ़ युक्त उआ मिसिले हिजबा आषाढ़ुआ। सेहिपरि भाबरे काठ युक्त उआ प्रत्यय मिसिले हिजबा काठुआ एवं अंधार युक्त उआ प्रत्यय मिसिले हिजबा अंधारुआ। क्वेश्चन देछि से बास अर्थ को सूचित करथो। उआ प्रत्यय तो सबुठरे अछि, देखंथो उआ प्रत्यय लागिछि, किंतु बास अर्थ को सूचित केउ शब्दटी करूछि। बास अर्थ को सूचित ऑप्शन ए घरुआ शब्दटी करूछि। घरे जे बास करे से होछि घरुआ, बुझियौछि। सो एहर करेक्ट आंसर टे हेला ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सी डी एलिमिनेट हिजबे। काठुआ कौन? काठुआ हूँ सदृश अर्थरे उआ प्रत्ययुक्त शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू देछि, छिद्रानुषी शब्दर विपरीत अर्थ बोधक शब्दटी बाछ। छिद्रानुषी जे अन्यर अमंगल चिंता करिथाय ताकु छिद्रानुषी बोली कहिजबो। तार विपरीत कोन हिजबो? ऑप्शन ए छिद्रयुक्त, ऑप्शन बी दुष्ट, ऑप्शन सी मंगलाकांक्षी मंगलाकांक्षी, ना ऑप्शन डी अमंगलाकांक्षी। यार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन सी मंगलाकांक्षी। छिद्रानुषी रो विपरीत हिजबो मंगलाकांक्षी, जेर मंगल चिंता करिबा, तार अपोजिट। ओके, छिद्रानुषी माने अमंगल चिंता करिबा, तार विपरीत कोन हिजबो? मंगलाकांक्षी। ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन ए बी डी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 देछि, ओडिया व्यंजन ध्वनि मानक मध्यरे केउ ध्वनिटी लोडित ध्वनि भाबरे परिचित। ऑप्शन ए ह, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ढ, ना ऑप्शन डी र। यार करेक्ट आंसर टी होचे ऑप्शन डी र होचे गोटे लोडित ध्वनि एवं गोटे ही लोडित ध्वनि अछि जोटा कि र। इम्पोर्टेंट मन रखिनेबे। ऑप्शन ए ह, ह एवं स एमाने होचंति दुईटी जाक ओडिया संघर्ष ध्वनि। ऑप्शन बी ड एवं ऑप्शन सी ढ, एमाने दुईटी जाक होचंति ओडिया उत्क्षिप्त ध्वनि। ड ढ मन रखिनेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देछि, परिवेश को सफा रख यह कि प्रकार वाक्य। ऑप्शन ए विवृति सूचक, ऑप्शन बी आदेश सूचक, ऑप्शन सी विस्मय सूचक, ना ऑप्शन डी नास्ति सूचक। परिवेश को सफा रख माने आदेश दिया जाउची। सो हर करेक्ट आंसर टी जीवा ऑप्शन बी आदेश सूचक। कौनसी वाक्य रु जदि विवृति बा सूचना प्रदान होता है ताहले ताको विवृति सूचक वाक्य बोली कह जीवा। ऑप्शन सी विस्मय सूचक, विस्मय सूचक वाक्य माने विस्मय भाव प्रकाश होतबो, सेथिबा ऑप्शन सी एलिमिनेट हेगला। ऑप्शन डी नास्ति सूचक, तो आपण माने समस्त जानचंती नाही अर्थ को सूचित करथुओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। एबे क्वेश्चन नंबर 5 देछि, थर को थर पिलाटी मलेरिया रा शिकार होउछ। रेखांकित पदटी केउ प्रकार रा अवयव? ऑप्शन ए विभक्ति सूचक, ऑप्शन बी पदानुयी, ऑप्शन सी संयोजक, ना ऑप्शन डी विपसार्थक। थर को थर माने ये होउछ गोटे विपसार्थक अवयव पद हिजबो, काहेकि ना विपसार्थक अवयव पद होउछ बारंबारता को सूचित करिथाय। थर को थर माने प्रति थर, बुझियौछ। को एक पद प्रकाश कले कोन हिजबो? ना प्रति थर हिजबो, बुझियला। ऑप्शन ए हेबनी, ऑप्शन बी हेबनी, किबा ऑप्शन सी मध्य हेब नाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 देछि, कानरे हाथ दबा यार अर्थ कौन? ऑप्शन ए आश्चर्य होबा, ऑप्शन बी चिंतित होबा, ऑप्शन सी मृत्युवरण करिबा, ना ऑप्शन डी कथा न सुनिबा। देखंतु आश्चर्य आपण माने जेतबे आश्चर्य हेथांते कान पाखरे हाथ देथांते जोटा कि गालरे लागिथे। सो यार करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन ए आश्चर्य होबा। कानरे हाथ दबार अर्थ होउछ आश्चर्य होबा, आश्चर्य होइकि आपण माने कानरे ही हाथ देथांते समस्ते। ऑप्शन बी एलिमिनेट हिजबा, ऑप्शन सी हेबनी, किबा ऑप्शन डी बी हेबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 देछि, भाषारे स्वर ध्वनिर संख्या केते? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ना ऑप्शन डी 11। भाषारे स्वर ध्वनिर संख्या होउछि 11, टोटल 11 टी स्वर ध्वनि अछि। कोन कोन? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ अ औ। कौन कौन? अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ रु ए ऐ अ औ। देखंतु 11 टी अछि, टोटल स्वरध्वनि संख्या होउछि 11, किंतु से कहिछे ओडिया भाषा रे, किंतु ओडिया भाषा रे एटा। ओके, किंतु से जेहेतु क्वेश्चन दैछे ओडिया भाषा रे स्वरध्वनि रा संख्या केते, सो यार करेक्ट आंसर टी हिजबा ऑप्शन बी 8। कौन कौन? गोटे होउछि अ हर्षई हर्षौ रु ए ऐ अ औ। देखंतु ए 8 टी होउछंती ओडिया भाषार स्वर उच्चारण दृष्टि, ओडिया भाषा रे हमर 8 टी स्वरध्वनि अछि।
ବୁଝିହେଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 11 କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 8ଟି ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡାସ୍ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରାଦେଶିକ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଦେଶିକ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରଦେଶିକ ନା ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଦର୍ଶିକ ପ୍ରଦେଶ ଯୁକ୍ତ ଇକ ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଦେଶିକ ମନେ ରଖିନେବେ ଅପସନ୍ ବି ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9 ଦେଇଛି ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧୁରୁ କେଉଁଟି ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତାର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଅପସନ୍ ଏ ବିରକ୍ତି ଅପସନ୍ ବି ବିରକ୍ତ ଅପସନ୍ ସି ଆରକ୍ତ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁରାଗ ଅପସନ୍ ଡି ଅନୁରାଗ ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ହୋଇଯିବ ବିରକ୍ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ପିଲା ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ଅନୁରକ୍ତର ବିରକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ବିରକ୍ତିର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଅନୁରକ୍ତି ଅନୁରକ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିରକ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନୁରକ୍ତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ବିରକ୍ତ ଓକେ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଭାବୁଥିବେ ଲଭିର ଯଦି ନିର୍ଲଭ ହେଲା ତାହେଲେ ଅନୁରକ୍ତର ତ ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବ ନୋ ଏଇଟା ତାର କିଛି ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ ଯାହା ବୁକ୍ରେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲଭିର ନିର୍ଲଭ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦଶୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଅନୁରକ୍ତର ବିରକ୍ତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଅନୁରକ୍ତିର ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବ ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଥାଏ କି ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିବେ ସୋ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ଅନୁରକ୍ତର ବିରକ୍ତ ଅନୁରକ୍ତିର ବିରକ୍ତି ଲଭିର ନିର୍ଲଭ ଏବଂ ଦଶୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓକେ ଅପସନ୍ ସି ଡି ବି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ ଅନୁରାଗର ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ କହିଲେ ଅନୁରାଗର ହେଉଛି ବିରାଗ କିନ୍ତୁ ଅନୁଗ୍ରହର ବିପରୀତ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଅନୁଗ୍ରହର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନିଗ୍ରହ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଗ୍ରହ ଅନୁଗ୍ରହର ନିଗ୍ରହ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗର ବିରାଗ କରିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିନେବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଦେଇଛି ପ୍ର ଖିଫ୍ ଅନ ଏହି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଏଇଟା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଓକେ ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପ୍ର ଖିପନ୍ ଏଠାରେ ପ୍ର କ'ଣ ପ୍ର ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ ଖିପ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଓକେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହେବନି ଖିପ୍ ପ୍ର ଖିପ୍ ଅନ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଅପସନ୍ ଏ ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ ଅପସନ୍ ଏ ଧାତୁରୁ ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ଅପସନ୍ ସି କୃଦନ୍ତରୁ ନା ଅପସନ୍ ଡି ତଧିତରୁ କୃଦନ୍ତ ଏବଂ ତଧିତ କୃଦନ୍ତ ହେଉଛି ଧାତୁ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଲେ କୃଦନ୍ତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତଧିତ କ'ଣ ତଧିତ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମିଶିଲା ତାହେଲେ ତଧିତ ଶବ୍ଦ ଗଠିତ ହେବ ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ସି ଡି ତ ଟୋଟାଲି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଛି ଶବ୍ଦ କେଉଁଥିରୁ ଗଢ଼ା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ନା ଧାତୁରୁ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଧାତୁରୁ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ଯେପରିକି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ପଠ ପଠ ଏଠାରେ କ'ଣ ଧାତୁ ଅ ମିଶିଲେ ହେଇଯିବ ପାଠ ତାହେଲେ ପାଠ କ'ଣ ହେଲା ପାଠ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଇଗଲା ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ଧାତୁରୁ ହିଁ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ା ଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ ହେବନି ପ୍ରତ୍ୟୟରୁ କିପରି ହେବନି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଧାତୁ ପରେ ରହୁଛି ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ରହିବ ବେଳେବେଳେ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଧାତୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଧାତୁରୁ ହିଁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12 ଦେଇଛି ବେ ଆଇନ ଏଥିରେ ଥିବା ବେ ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅପସନ୍ ଏ ନିଷେଧ ଅପସନ୍ ବି ବିପରୀତ ଅପସନ୍ ସି ଇସତ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ସମାନ ବେ ଆଇନ ଆଇନର ବିପରୀତ କ'ଣ ଆଇନର ବିପରୀତ ହିଁ ବେ ଆଇନ ନା ତ ଇଏ ବିପରୀତ ଅର୍ଥରେ ବେ ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅପସନ୍ ଏ ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13 ଦେଇଛି ସେ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପଦ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ସମାପିକା ସମାପିକା ତ ହେବନି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବ ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ଅପସନ୍ ସି ଅସମାପିକା ଦେଖନ୍ତୁ ସମାପିକା ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମାନେ ଇଏ କ'ଣ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବ କି ଇଏ ତ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କିପରି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ସି ତ ଟୋଟାଲି ଏଲିମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବି ହେବନି ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେଉଛି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ଖାଇବାକୁ ତାହେଲେ ଖାଇବା କ୍ରିୟାରୁ ଆସିଛି ଖାଇବାକୁ ତାହେଲେ ଖାଇବାକୁ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ବା ବୁଝାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ହେଇଗଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14 ଦେଇଛି ବ୍ୟାକରଣରେ ଧାତୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅପସନ୍ ବି ଲୁକାୟିତ ଅର୍ଥ ଅପସନ୍ ସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଂଶ ନା ଅପସନ୍ ଡି କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡ ବ୍ୟାକରଣରେ ଧାତୁ କହିଲେ ତାହେଲେ ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯିବ ଧାତୁ ହେଉଛି କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି
ऑप्शन ए हेबनी, ऑप्शन बी हेबनी, किंबा ऑप्शन सी हेबनी। धातु होची क्रियार मूलपिंड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। शब्द गढ़िया पई धातुर परे भिन्न भिन्न अर्थरे जहा जग करा जाए। ओके जहा जग करा जाए ताकु कौन कहते। ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी कृत प्रत्यय, ऑप्शन सी उपसर्ग, ना ऑप्शन डी तद्धित प्रत्यय। शब्द को गढ़िया पई धातुर परे भिन्न भिन्न अर्थरे धातु परे हितिबो एवं भिन्न भिन्न अर्थरे जग करा जाउथबो तद्धित प्रत्यय तो भूल हेबनी काहेकि ना तद्धित होउछे गोटे शब्द सहित प्रत्यय जगरे तद्धित शब्द गठित होते सी कौन कही सी क्वेश्चन धातु परे भिन्न भिन्न अर्थरे तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो। ऑप्शन ए प्रत्यय तो हेबनी, ऑप्शन बी कृत प्रत्यय, ना ऑप्शन सी उपसर्ग। उपसर्ग भी हेबनी धातुर परे भिन्न भिन्न अर्थरे जहा जग करा जाए ताकु कृत प्रत्यय बोली कुहा जाय थाए। प्रत्यय काहेकि कुहा गला देखंतु कृत कृदंत शब्द किपरि गठित होते धातु सहित जितेबले प्रत्यय मिसी थाए सेतेबले गोटे कृदंत शब्द ही गठित होता है। सो यार करेक्ट आंसर टी गला ऑप्शन बी। से क्वेश्चन को टी बुले कि पचार छी बुझौछि शब्द गढ़िया पई धातु परे भिन्न भिन्न अर्थरे जहा जग करा जाए ताकु कृत प्रत्यय बोली कुहा जाय थाए एवं धातु सहित प्रत्यय मिसिले ही कृदंत पद गठित होता है। कृत निष्पन्न पद को कृदंत शब्द बोली कुहा जाय थाए ना बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देछि व्याकरण यार सठिक अर्थ केउटी। ऑप्शन ए व्याकरण अध्ययन करथिबा लोक जेउ लोकटी व्याकरण अध्ययन करिछि ताकु कहा जिवो व्याकरण। ऑप्शन बी व्याकरण अध्यापना कराउथिबा लोक जे व्याकरण को अध्यापना कराए ताकु कहा जिवो ना। ऑप्शन सी व्याकरण पढ़ुथिबा लोक व्याकरण जे पढ़े ताकु व्याकरण कहा जिवो ना। ऑप्शन डी व्याकरण रे पांडित्य अर्जन करथिबा लोक व्याकरण। सो यार करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन डी व्याकरण रे पांडित्य अर्जन करथिबा लोक ताकु व्याकरण बोली कहा जिवो। ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हिजिबे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देछि नाचिबार इच्छा एक पदरे प्रकाश कले कौन हेबो। ऑप्शन ए निनिसा, ऑप्शन बी निनर्तिषा, ऑप्शन बी निनर्तिषा, ऑप्शन सी बिप्सा, ना ऑप्शन डी नृत्युच्छा। नाचिबार इच्छा को एक पदरे प्रकाश कले हिजिबो ऑप्शन बी निनर्तिषा मने रखि नेबे। ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हिजिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देछि अलेक्जेंडर धरा को सरा मणुले रेखांकित पदटी क्यों भाव प्रकाश करे। ऑप्शन ए सरलता, ऑप्शन बी वीरत्व, ऑप्शन सी उदारता, ना ऑप्शन डी गर्व। धरा को सरा मणिबा एही लोकवाणीटर अर्थ कौन कहिले। एही लोकवाणीटर अर्थ होची अति गर्व भाव प्रदर्शन करिबा सेटा होची धरा को सरा मणिबा। ताहले अलेक्जेंडर जो धरा को सरा मणुले माने माने से गर्व भाव प्रकाश करथुले। सो हर करेक्ट आंसर टी होची ऑप्शन डी बुझिला। ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देछि वाक्य रे जेउ पद गुड़िक कर्तार पुरुष और वचन अनुसारे एवं घटनार काल अनुसारे रूप परिवर्तन करे ताकु कौन कहते। ऑप्शन ए विशेष पद, ऑप्शन बी क्रिया पद, ऑप्शन सी सर्वनाम पद, ना ऑप्शन डी विशेषण पद। देखंतु गोटे एग्जांपल नै गेले जानि परिबे रमेश पडिया रे क्रिकेट खेलुछि ताहले एही सेंटेंस रे एही वाक्य रे रमेश कौन रमेश होउछि विशेष्य पद। पडिया रे केउठारे खेलुचि ना पडियारे ये होची गोटे पद। कौन खेलुचि ना क्रिकेट खेलुचि ये होची गोटे कर्मपद। क्रिकेट कु खेलुचि खेलुचि एठारे कौन खेलुचि होची गोटे क्रियापद। देखंतु केवल क्रियापद को रमेश अच्छी बोली खेलुचि हेला बुझिपारचंते। जदि मु कहितांते सेमाने पडियारे क्रिकेट खेलुचि कहितांते कि न सेमाने पडियारे क्रिकेट खेलुछंती बोली मु कहितांते बुझिपारचंते। रमेश थिला बोली मु खेलुचि कहिले किंतु सेमाने कहिले बहुवचन जेतेबेले तृतीय पुरुष बहुवचन हो जाऊँगी सेतबेले क्रियापदर चेंज हो जाऊँगी खेलुंटे। क्वेश्चन कौन देखिए क्वेश्चन देखिए वाक्य जो पद गुड़िक कर्तार पुरुष वचन अनुसार बा घटनार काल अनुसार रूप परिवर्तन करे ताहले क्रियापद गुड़िक ही चेंज करछंते। खेलुचि माने वर्तमान खेलुचि खेलुंटे माने भी वर्तमान काल को सूचित करछि। जदि मु कहिबि से माने पडियारे क्रिकेट खेलुथिले अ ताहले अतीत काल को सूचित करिब ताहले कोन हैला ताहले क्रियापद अनुसार आपण माने कर्तार पुरुष वचन एवं घटनार काल संपर्क रे जानि परछंते बुझियला। ताहले आंसर टी कोन हिजबो आंसर टी हिजबो ऑप्शन बी क्रियापद। ओके ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हिजबे। कोन विशेष्य पद अनुसार कोन आपण माने कर्तार पुरुष वचन एवं घटनार काल क्यों समय घटनाटी घटीला जापरिवे कि नो सर्वनाम पदर जापरिवे कि देखो से गोटे सर्वनाम पद। सर्वनाम पद अनुसार कौन घटनार काल केत घटी जापरिवे कि जापरिवे ऑप्शन डी विशेषण पद अनुसार जापरिवे। सो यार करेक्ट आंसर टी होगा ऑप्शन बी क्रियापद अनुसार आपण मैंने कर्तार पुरुष जापरिवे खेलुची मैंने प्रथम पुरुष एक वचन हो खेलुंट मैंने यू आपण मैंने कर्तार पुरुष वचन जाणी सहित एवं घटनार काल को मध्य जापरचे बुझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 देछि केउटी बिहंगर प्रतिशब्द नुहे ऑप्शन ए कुप ऑप्शन सी खेच ऑप्शन बी खेचर ऑप्शन सी द्विजन ऑप्शन डी खग एहर करेक्ट आंसर टी सिंपल क्वेश्चन पूरा एहर करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन ए कुप कुप होछि कुअर गोटे प्रतिशब्द किंतु खेचर खेचर ऑप्शन सी द्विज ऑप्शन डी खग एमाने होछन्ति पक्षी बा बिहंगर गोटिए गोटिए प्रतिशब्द बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 देछि चलु करदेबा यही रूढ़ीर अर्थ कौन ऑप्शन ए जीविका छड़ाइ नेबा ऑप्शन बी सबू शेष करदेबा ऑप्शन सी बुद्धिबणा हेबाना ऑप्शन डी लोभ करबा चलु करदेबा यही रूढ़ीटर सठिक अर्थ होइजिबा ऑप्शन बी सबू शेष करदेबा सेटा होछि चलु करदेबा ऑप्शन ए हेबनी ऑप्शन सी हेबनी किंबा ऑप्शन डी मध्ये हेबनाय नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 देछि केउटी मौखिक धारा रे शिक्षार्थीर सहायक हुए नाही मौखिक धारा मौखिक माने आमे जोटा कहउचंती ओके लिखित आकार रे हेन थिवो ऑप्शन ए भाव विनिमय रे दक्षता विकास एटा हेथाय मौखिक रे माने भाव आमे आदान प्रदान जो करथांती तार दक्षता रे विकास हेथाय ऑप्शन बी भाव प्रकाश दक्षता रे अभिवृद्धि हेथाय बढ़िथाय ऑप्शन बी भी ठीक अछि शिक्षार्थीर सहायक होइथाय किंतु से क्वेश्चन देछि शिक्षार्थीर सहायक हुए नाही होइ नथाय हुए नाही ऑप्शन सी देछि साक्षात्कार जनित भय दूरीकरण हुए यस एटा मध्य ठीक अछि मौखिक धारा रे आमे लोकंक सहित कथाबार्ता करबा फल रे किबा आमे लोकंक सहित मिश्रा फल रे साक्षात करबा फल रे आमर भय दूर होइथे बुझि पाछंती ऑप्शन सी भी ठीक अछि से नाही पचारछि सो हर करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन डी लिखन दक्षतार वृद्धि कोनसी लिखन दक्षतार वृद्धि होइनथे आमर आमे जेतु साक्षात्कार जनित कथा हेतांती भाव विनिमय करथांती त लेखिबाटा त शिक्षार्थी मौखिक धारा रो गोटे सहायक हबने ना बुझियौची नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 देछि हिसाबर अभाव एहा की प्रकारर समास अटे ऑप्शन ए सहार्थक बहुव्रीहि ऑप्शन बी कर्मधारय ऑप्शन सी अव्यय भावना ऑप्शन डी तत्पुरुष हिसाबर अभाव कोन हिजबो अभाव अछि सो एहार करेक्ट आंसर हिजबो ऑप्शन सी अव्यय भाव समास व्यक्ति पर्यंत अभाव आदि अर्थरे अव्यय भाव समास होइते म आपन मानको पूर्व मॉक टेस्ट उडी करे बहुत कहिछि अव्यय भाव समास केउठा रहिते बहुत प्रैक्टिस करैछि जो माने पूर्व मॉक टेस्ट देखिनाते प्लीज जाई कि देखिनियंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 देछि एठारे सुनिबाको केही नाहंति रेखांकित पदटी केउ अर्थरे चतुर्थी विभक्ति होइछि ऑप्शन ए निवारण अर्थरे ऑप्शन बी रुचिबा अर्थरे ऑप्शन सी यज्ञ अर्थरे ना ऑप्शन डी निमित्त अर्थरे सुनिबाको माने एठारे सुनिबाको माने कोन बुझछन्ते सुनिबा पाई केही नाहंति त पाई माने निमित्त अर्थको सूचित करछि सो एहर करेक्ट आंसर टी होछि ऑप्शन डी ओके ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हिजबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 देछि निम्नक्त मध्यरु सुध शब्दटी को चिन्हट कर ऑप्शन ए विद्याधिपति ऑप्शन बी शिक्षयत्री ऑप्शन सी गणेशन ऑप्शन डी शिकार सुध शब्दटी हिजबे ऑप्शन ए विद्याधिपति विद्याधिपति को संधि विच्छेद कले कोन हिजबे कहिले विद्या युक्त अधिपति मिसिले हिजबे विद्याधिपति ताहले ये होची सुध शब्द देइथिला विद्या को उच्चारण कंतु आ साउंड सूची एवं अधिपति अक्ष प्रथम अक्षर होची आरे अमिसिथिले आरे परिणत होइथे विद्या हे जाउची बुझि पाछन्ते त ये ठीक अछि ऑप्शन बी शिक्षयत्री हे नथाय शिक्षयित्री हेथाय शिक्षयित्री यरे हर्षिका रहिबो ओके त ये अशुद्ध शब्द देइथिला ऑप्शन सी गणेश गणेश रे मूर्धनेश हबनी गणेश रे तालबेश हबो गणेश गणेश को संधि विच्छेद कले कोन हिजबो ना गण युक्त ईश मिसिले हिजबो गणेश मु बारंबार कहिबार कारण होछि आपण मानकर प्रैक्टिस हिजबो ओके ऑप्शन डी शिकार शिकार रे दीर्घकार दे दिछि सेटा कोन हेबा कथा तालबेश रे हर्षिकार हबा कथा ओके बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 देछि एवरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम श्रृंग रेखांकित पदटी की पद ऑप्शन ए विशेषण ऑप्शन बी विशेष्य ऑप्शन सी सर्वनाम ऑप्शन डी क्रियापद एवरेस्ट श्रृंगर गोटे पर्टिकुलर नाम होची एवरेस्ट एवरेस्ट होची पृथ्वीर उच्चतम श्रृंग ताले श्रृंग मानक मध्य ये होची पूरा उच्चतम बुझी पारछंती ताले श्रृंगर श्रृंगर गोटे पर्टिकुलर नाम होची सो एहार करेक्ट आंसर टी हिजबो ऑप्शन बी विशेष्य पद ऑप्शन ए विशेषण हबनी ऑप्शन सी सर्वनाम हबनी किंबा ऑप्शन डी क्रियापद हबनी एवरेस्ट पृथ्वीर उच्चतम श्रृंग अट्टे अट्टे एठारे अट्टे क्रियापदटी एठारे उह्य अछि जदि सी पचार थांदा क्रियापदटी कोन क्रियापद एठारे उह्य अछि जेउटा कि अट्टे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 27 देछि निम्नक्त पदमानक मध्यरु केउटी विशेषण पद ऑप्शन ए गोपबंधु ऑप्शन बी सुआंडा ऑप्शन सी जन्मन ऑप्शन डी दरिद्र गोपबंधु होउछि पर्टिकुलर ना सो ये होउछि गोटे विशेष्य पद हिजबो ऑप्शन बी देखंतु सुआंड सुआंड होउछि पर्टिकुलर गोटे ग्रामर ना होउछि सुआंड सुआंड मध्ये गोटे विशेष्य पद हिजबो
ଅପସନ୍ ସି ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯିବ। ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଦରିଦ୍ର ଲୋକ। ତାହେଲେ ଲୋକ ବିଶେଷ ପଦକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି ନା ଦରିଦ୍ର ପଦଟି ବିଶେଷିତ କରୁଛି, କିପରି ଲୋକ ନା ଦରିଦ୍ର, ସେଥିପାଇଁ ଦରିଦ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ ହୋଇଗଲା, ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ଦେଇଛି, ଯେଡ଼େ ବାଉଁଶକୁ ସେଡ଼େ ପଲ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାରର ଅବୟ। ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ଭାବନା ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ବି ପରିମାଣ ସୂଚକ, ଅପସନ୍ ସି ନିଷେଧାର୍ଥକ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ। ଯେଡ଼େ ବାଉଁଶକୁ ସେଡ଼େ ପଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଡ଼େ ସେଡ଼େ ତଳେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ଅଛି, ଯେଡ଼େ ମାନେ ପରିମାଣକୁ ଏ ସୂଚିତ କରୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ଯେଡ଼େ ମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ବାଉଁଶ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଛୋଟ ବାଉଁଶ ହେଉଥିବ ତାର ଛୋଟ ପଲ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ବଡ଼ ବାଉଁଶ ହୋଇଥିବ ତାର ବଡ଼ ପଲ ହୋଇଥିବ, ବୁଝିହେଉଛି। ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ। ଅପସନ୍ ଏ ସମ୍ଭାବନା ହେବନି, ସମ୍ଭାବନା ତ ଭୁଲ ହେବନି, ଅପସନ୍ ସି ବି ହେବନି, ଅପସନ୍ ଡି ସାଦୃଶ୍ୟବୋଧକ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରିମାଣକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ପରିମାଣ ସୂଚକ ଅବୟ ପଦ ହୋଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ଦେଇଛି, ଆକାଶ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି। ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟମ, ଅପସନ୍ ବି ଶିଖି, ଅପସନ୍ ସି ଖଗନା, ଅପସନ୍ ଡି ହୁତାସନ। ଆକାଶର ହେଉଛି ବ୍ୟମ, ସୋ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଅପସନ୍ ବି ଶିଖି ହେବନି, ଶିଖି ହେଉଛି ମୟୂରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଶିଖି। ଅପସନ୍ ସି ଖଗ ହେବନି, ଖଗ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ। ଅପସନ୍ ଡି ହୁତାସନ, ହୁତାସନ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ଅଗ୍ନିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ହୁତାସନ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ବି ସି ଡି ଏଲିମିନେଟ୍ ହୋଇଗଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30। ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିବ, ଅସୁର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କେଉଁଠି। ଅପସନ୍ ଏ ଦନୁଜ, ଅପସନ୍ ବି ମନୁଜ, ଅପସନ୍ ସି ଅୟନ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଅୟନ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ହରି। ଅସୁର ଶବ୍ଦର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଦନୁଜ, ଦନୁଜ ହେଉଛି ଅସୁର, କିନ୍ତୁ ମନୁଜ କ'ଣ, ମନୁଜ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, ମଣିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମନୁଜ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଖନ୍ତୁ ଅୟନ, ଅୟନ ହେଉଛି ପଥ ବା ମାର୍ଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅୟନ। ଅପସନ୍ ଡି ହରି, ହରି ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବି ହୋଇପାରିବ, ଈଶ୍ୱର କିମ୍ବା ହରି ମଧ୍ୟ ସିଂହର ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ହରି ସିଂହର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଏବଂ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି ଆନ୍ସର୍ ବି ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି, କମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠାରୁ ଆନ୍ସର୍ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।